कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की जो रीडिंग है आप सबको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग हम हमेशा की तरह देखने जा रहे हैं आपका आने वाला समय कैसा होगा, कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, कैसा अपना व्यवहार रखेंगे तो आप लाइफ में जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। गाइडेंस देखेंगे हम, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दो तस्वीरें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा दोनों नंबर तस्वीर को। आज हम गाइडेंस के लिए साईं बाबा का कार्ड भी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत समय से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम साईं बाबा के कार्ड का इस्तेमाल करिए। तो चलिए देख लेते हैं आज हमें साईं बाबा के कार्ड से क्या पता चलता है, आपके लिए क्या सलाह है, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से भी देखेंगे। और बहुत ध्यान से पहले सबसे पहले तो आप नंबर्स देख लीजिए, जो नंबर आपको पसंद आ रहा है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, पहले नंबर की तस्वीर पसंद आ रही है, सेकेंड नंबर की तस्वीर पसंद आ रही है। और टाइम अगर आपको लगता है कम है तो आप वीडियो को यहाँ पर रोक के टाइम लेके अच्छे से प्रार्थना करके उसके बाद आप आगे वीडियो को देखें, ठीक है। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आप मानना चाहें तो मान सकते हैं। कोई किसी भी तरीके का इस हम जो रीडिंग आपको करते हैं ये नहीं कहते कि आप फॉलो ही करिए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि एक तरीके की जनरल रीडिंग है ना। तो जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं होती कि सबके साथ कनेक्ट हो, किसी के साथ कनेक्ट हो सकती है, हो सकता है कि किसी के भी साथ ना कनेक्ट हो, ये भी हो सकता है किसी एक पर्सन के साथ कनेक्ट हो या फिर थोड़ी बहुत बातें कनेक्ट हो। तो इसलिए आपको हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा रीडिंग को लेके। पर्सनल रीडिंग की बात अगर करें तो अभी पर्सनल रीडिंग यूट्यूब से मैं नहीं ले रही हूँ, जब लूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। उसके लिए काफ़ी कुछ तैयारियाँ करनी होती हैं और इतना वक्त अभी मेरे पास नहीं है, और फ्यूचर में जब भी होगी तो मैं आपको बता दूंगी। इसलिए किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे फेक आईडी बना चुके हैं, अब किसको किसको मना किया जाए। आप अपनी तरफ से सतर्क रहिए, जब तक मेरे मुंह से आप नहीं सुनेंगे मेरा मोबाइल नंबर या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर किस तरीके से कनेक्ट करना, तब तक आप विश्वास मत कीजिएगा। अगर आप करते हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है, समझ सकते हैं आप इस बात को ना। तो इसीलिए कहते हैं ध्यान रहे चीज़ों का। चलिए अब हम जल्दी से रीडिंग पे आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर, आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर आपका आने वाला समय कैसा है, आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है, क्या गाइडेंस है। नंबर फर्स्ट आपने चुना है, नंबर फर्स्ट की तस्वीर को आपने पसंद किया है। चलिए जल्दी से नीचे लिखते हैं, पहले सबसे पहले लिखते हैं हर हर महादेव, लिख के जाइएगा ज़रूर आज कमेंट बॉक्स में। ईश्वर करे जो कुछ आप चाहते हैं आपको मिले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर हमें क्या पता चलता है आपके बारे में, आपका आने वाला वक्त कैसा है। पहला कार्ड जो आ रहा है पेज ऑफ कप का कार्ड आ रहा है आपके लिए, ठीक है। दूसरा कार्ड देखते हैं, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। दूसरा तीसरा कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना आपके लिए जजमेंट का कार्ड आ गया। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, आप जो चाहते हैं वो बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों का जो समय होता है ना वो ईश्वर ने डिसाइड किया रहता है, ठीक है। वो चीज़ें तब ही होती हैं जीवन में जब उनका होना लिखा होता है। तो आपको निराश नहीं होना है, इससे आपको परेशान भी नहीं होना है। आने वाले वक्त में आपका रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पर्सन से मिले हैं, अभी जल्द मिले हैं। जल्द का मतलब 6-7 महीने से भी हो सकता है, मतलब कोई पुराना रिश्ता नहीं जुड़ा है अभी आपका लाइफ में, कोई ऐसा सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो जिन्हें आप पसंद करते हैं, कोई एक पर्सन, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए जिससे आप बातें करें, अपनी बातों को शेयर करें, आप उनकी केयर करें, वो आपकी केयर करें। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन बहुत जल्द आने वाला है, या फिर कोई दोस्त है जिससे आप बहुत कनेक्शन फील कर रहे हैं। आने वाला वक्त बहुत अच्छा रहेगा लव लाइफ के लिए, बहुत अच्छा समय बिताएंगे अपने दोस्त के साथ, जो अभी आपका एक तरीके से दोस्त ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हाँ एक कनेक्शन आप महसूस करते हैं। तो उनके साथ एक अच्छा रिश्ता आपका आने वाले समय में अच्छा समय बीतेगा। फोर आपका उसका कार्ड है यहाँ पे है, जो भी जीवन में मिला है आपको उसे संतोष कीजिए। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ सोचा है। आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसे मौके मिल सकते हैं जहाँ पर आप अपने करियर को बहुत ऊँचाई पर ले जा सकते हैं। जो नहीं मिला, जो नहीं आप पा सकें जीवन में, जो आप चाहते थे नहीं कर पाए, अब उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। हर वक्त अगर आप निराश रहेंगे तो जो चीज़ आपको ईश्वर दे रहे हैं आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे और अपने जीवन में ज़रा प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे रास्ता ईश्वर आपको दिखाते हैं, जैसे जैसे यूनिवर्स आपको बता रही हैं कि आपके लिए क्या सही है, आप वैसे ही काम करते जाइए। फोर ऑफ कप कार्ड है,
थोड़ा बहुत आपको डिसअपॉइंटमेंट है खुद से है और साथ में कुछ लोगों से भी है। लेकिन मैं तो आपसे कहूँगी ना कि डिसअपॉइंटमेंट अगर आपको हो रही है, कुछ भी दिक्कत है, गुस्सा भी है, निराशा भी है, तो अपने आप से रखिए, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग मिलके जो आप चाहते हैं वो ना होने देते हों, लेकिन असल में होता वही है जो आप चाहते हैं। तो सब कुछ कर्म के ऊपर ही होता है, इसलिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके परिवार में। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि एक प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं आपके परिवार में, मतलब आप भी होंगे शामिल ना, परिवार के हिस्सा हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार में काफ़ी खुशहाली आने वाली है। कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर कोई ज़मीन जायदाद या फिर कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपके घर में एक तरीके से पैसों को लेके जो दिक्कत चल रही थी वो समाप्त होगी। आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फैमिली आपकी मतलब कर सकती है, कोई स्थायी तौर पे आपके लाइफ में आपकी फैमिली में कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। जजमेंट का कार्ड है, जितना आप कर्म करेंगे उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। आइए देखते हैं गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए। नंबर फर्स्ट पहला कार्ड जो आया है वो पहला कार्ड है एस ऑफ कप का। देखिए आपके लिए, देखिए फीलिंग्स बहुत आ रही हैं, आप बहुत ही इमोशनली कनेक्शन बना रहे हैं सबसे जो भी आपके करीबी हैं। एम्परर का कार्ड आपके लिए है, आने वाले समय में आपको गुड न्यूज़ जो मिल रही है ना। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देखिए आपके लिए जो गुड न्यूज़ आ रही है वो आ रही है आपके करियर से। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसा मौके मिलने वाले हैं जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, जिसके लिए आप परेशान थे, जिसके लिए आप निराश थे, अब वो चीज़ आपके लाइफ में आने वाली है। तो करियर पे विशेष ध्यान दीजिएगा और पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। आपके दोस्तों के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी, आपके लव पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। आइए देखते हैं साईं बाबा के कार्ड से हमें क्या गाइडेंस मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं साईं बाबा के कार्ड से हमें क्या पता चलता है आपके बारे में कि आपके लिए क्या सलाह है। आत्मा का सफ़र में मैं मार्ग पर ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। तो यहाँ साईं बाबा आपसे बता रहे हैं कि आपको रास्ते दिखाए जाएंगे, लेकिन आपको चलना स्वयं वहाँ पे अकेले ही है। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ निश्चय बनिए। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, आपका मूड चेंज होता रहता, कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे नहीं होना है ना लाइफ में। कुछ चीज़ों के लिए हमेशा सीरियस होना चाहिए, तो सीरियस बनिए, अपने दृढ़ता ले आइए अपने अंदर, तभी आप परिवर्तन को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जब तक आपका डिसीजन सालों तक नहीं चलेगा, तब तक आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको डिसाइड करते हैं और घंटे भर में आपका डिसीजन चेंज हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या सलाह आपको देना चाहते हैं। पहला कार्ड जो आ रहा है आपके लिए, टेक एक्शन। देखिए वही बात है, ज़्यादा सोचना नहीं है लाइफ में। ओह, परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि ये जो समय आपके लिए है ना वो सबसे सही समय है, जो कार्ड्स भी हमें बता रहे थे करियर के लिए। ठीक है, विशेष तौर पे करियर के लिए परफेक्ट टाइम, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं जीवन में, ये समय अच्छा है, इस समय का उपयोग कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकती हैं जिसका आपको इंतज़ार था, वो चीज़ आपके जीवन में होने जा रही है, तो इस समय का फ़ायदा उठा लीजिए। जीवन को बदलिए, अपने दृढ़ बनिए, बार बार डिसीजन को चेंज मत किया कीजिए। बार बार आपका मूड चेंज होता है तो उस पर वर्क कीजिए, ये अच्छी आदत नहीं है। ख़ासतौर पर जीवन में जब आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपका करियर है, आपकी पर्सनल लाइफ है, इन चीज़ों के लिए हमेशा थोड़ा बहुत तो देखिए हल्का फुल्का तो चलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जब डिसीजन लेने का वक्त आए तो बहुत सोच समझ के और एक बार ले लेते हैं, तो फिर उसको चेंज मत किया कीजिए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं जिसने भी सेकेंड नंबर की तस्वीर को चुना, आइए देखते हैं आपका आने वाला समय कैसा है। लेकिन कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए जल्दी से देख लेते हैं और कमेंट किया कीजिए, इससे आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी इस चैनल से और आप जो भी रीडिंग देखते हैं वो आपसे कनेक्ट होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। आइए देखते हैं आपका आने वाला समय कैसा है, सेकेंड नंबर जिसने भी चुना है। सबसे पहले हम देखते हैं आपके बारे में कि क्या है आपका आने वाला समय, कैसा होगा आपके लिए आने वाला समय। पहला कार्ड जो आ रहा है एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ठीक है। दूसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। तीसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है मैजिशियन का,
और एक कार्ड और देखते हैं, फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक तरीके की गाइडेंस दी जा रही है कि अभी जो चल रहा है ना उसको चलने दो, ठीक है। वो आपके हाथ में नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। फैमिली लाइफ आपकी कैसी है ना कि आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ों में चेंज आ जाए, जल्द से जल्द चीज़ें बदल जाएं। यूँ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फैमिली की बात आ रही है, फैमिली की बात आ रही है तो यहाँ फीलिंग्स की बात आ रही है, नेचर की बात आ रही है। तो सब कुछ तो झटके में चेंज नहीं हो जाता ना, उसको समय लगता है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, करियर आपका अच्छा नहीं चल रहा है, आपको कुछ नए नए तरीके दिखाई दे रहे हैं, नया नया डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, नए नए रास्ते दिखाई दे रहे हैं। आप हिचकिचा रहे हैं, आप डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं वहाँ ऐसा करने से क्या सही होगा या नहीं होगा, बहुत क्वेश्चन मार्क है, आप सोच बहुत रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। एस ऑफ सॉर्ड्स की बात यहाँ पे आ रही है, आप अपने कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अब थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि आपको सर में दर्द भी महसूस होता हो, ठीक है। आप चिंता बहुत करते हैं, बहुत बोलते हैं, थोड़ा बहुत खामोश रहेंगे तो आपको आपकी जो कहते हैं ना अंतरात्मा जो होती है ना उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो इतना तो शांत हो जाइए कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई पड़े, ठीक है। आपका दिल आपसे क्या कहना चाहता है वो समझ में आपको आ सके, क्योंकि जब तक आप अपने कहते ना अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनेंगे लाइफ में आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपको गाइडेंस देने के लिए हमेशा एक हमारी जो आत्मा है ना, हमारी जो इंट्यूशन है ना, वो हमें हमेशा गाइड करती है। बस ये होता है ना कि हम सोचते बहुत हैं और सुनते नहीं हैं, ध्यान नहीं लगाते हैं। ध्यान जब आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको बता दूं आपका आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि रीडिंग का टॉपिक मेन यही है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आप बहुत दिमाग लगा रहे हैं जहां आपको दिल लगाना चाहिए, बहुत चिंता कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कहें, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, वैसा है तो ऐसा हो सकता है, वैसा है तो वैसा हो सकता है। नहीं सोचना चाहिए इतना आपको, ठीक है। वो आपके हाथ में नहीं है कि सामने वाला क्या रिएक्ट करता है, आपके हाथ में ये है कि आप क्या रिएक्ट करते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। आपके कर्म अच्छे होंगे तो सामने वाला अगर आपके काबिल नहीं होगा तो वो आपके जीवन में रुकेगा भी नहीं, क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं आपके कर्म को। जिनके कर्म अच्छे होते हैं ना ईश्वर के करीब होते हैं वो लोग, तो उनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके कर्म अच्छे हों, ठीक है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है आप चीज़ों से बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, मूव ऑन से भी निराश हो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं परिस्थितियों को। दिमाग की सोच आपकी बहुत ज़्यादा है, आप ख्यालों में बहुत खोए रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, ज़िंदगी जहाँ जा रही है आप चलिए उस रास्ते पे तो सही, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो यूनिवर्स को सब कुछ पता है, तो वो आपको जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं जो सही है आपके जीवन के लिए, जिससे आपको सब कुछ मिलेगा, आप चलिए वहाँ पे खुश होकर मुस्कुराते हुए। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, सब कुछ एक पल में चेंज नहीं हो सकता है, चेंज होगा भी, ठीक है। आप पॉजिटिव एक सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी अपने परिवार को देते रहिए। परिवार में अगर कुछ दिक्कत चल रही है तो वो ठीक भी हो जाएगी, लेकिन एक समय का इंतज़ार कीजिए। गाइडेंस के तौर पर भी कार्ड्स आपके लिए आए हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे ये चाहती है कि अभी जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही आप रहने दें, चीज़ें अपने आप सही होंगी। आप सही करने मत चलें, अपने आप चीज़ें सही होंगी। बस आपको अपने ऊपर फोकस रखना है, अपने ऊपर ध्यान करना है कि खुद को कैसे काबिल बनाएं, खुद को कैसे अच्छा बनाएं, ठीक है। खुद के लिए क्या करें ये चीज़ें आप बस सोचते रहिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, अगर आप रिलेशनशिप में बहुत दिमाग लगाएंगे तो निराश रहेंगे, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा भी है तब भी आपको उसकी अच्छाई दिखेगी नहीं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, आपको अपने सन का कार्ड है। देखिए आप जो परेशानी थी ना आपकी वो दोनों समाप्त हो जाएगी, गुड न्यूज़ के तौर पे मैंने कार्ड देखे हैं। तो जो आप जिसकी फिक्र आप कर रहे थे, फैमिली को रिश्ते आप सही करना चाहते थे, पारिवारिक संबंध अच्छे करना चाहते थे, परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहते थे, बहुत खुशियाँ लेके आना चाहते थे, वो सब हो रहा है क्योंकि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने फैमिली को ठीक करने की, ठीक है। फैमिली को लेके बहुत परेशान हैं आप, चाहते हैं फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, जो भी कुछ हो सकता है। देखिए हर किसी की लाइफ की चीज़ें अलग अलग होंगी तो हर इंसान अपने अपने हिसाब से सोचेगा, लेकिन गुड न्यूज़ जो आ रही है वो आपके करियर में आपको मिलेगी और आपकी फैमिली लाइफ में मिलेगी, ठीक है। करियर में क्या मिलेगा आपको, चेंज देखने को मिलेगा, बहुत पॉजिटिव चेंज होगा, फिर आपको एहसास होगा कि हाँ नहीं जो हो रहा था वो सही हो रहा था, ठीक है। कुछ समय में आपको ये चीज़ें दिखेंगी, समय का मतलब आप देख रहे होंगे वाटर सीजन चल रहा है ना,
वही समझ लीजिए, ठीक है, उस समय में पता चल जाएगा आपको। अब आप जिस भी इलाके में रहते होंगे, जब भी वहाँ पे बरसात का मौसम जो हम कहते हैं ना, बारिश वाला मौसम, मानसून का मौसम, जब भी जैसे भी आता हो, क्योंकि कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ थोड़ा बहुत कभी देर से कभी जल्दी बारिश का सीज़न आता है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। जब आसपास सब कुछ बहुत खूबसूरत लगे, नेचर बहुत खूबसूरत हो जाए, एकदम नेचुरल आपको सब कुछ बहुत हरा भरा सब कुछ दिखने लगे, समझ लीजिएगा आपके जीवन में करियर में परिवर्तन आएगा। फैमिली में भी बहुत परिवर्तन यहाँ दिख रहा है मुझे, लेकिन नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत दिमाग लगाएंगे अपने रिलेशनशिप में तो उसमें आप निराश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ से आपको दुख ही दुख मिलेगा। एक समय बाद, जो कहते हैं ना, जब बहुत अंधेरा होता है उसके बाद ही सवेरा होता है, तो वो समय चल रहा है रिलेशनशिप को लेके, उसके बाद ही उजाला होगा। तो उजाले भी आ रहे हैं, जैसे जैसे अंधेरे बढ़ते जा रहे हैं तो इस तरह रोशनी भी अपना काम करके बैठी है, वो भी बस आने का प्रयास में है। जब पूरा अंधेरा हो जाएगा ना, एकदम डार्क, तभी रोशनी दिखेगी, ठीक है। जब तक पूरा डार्क नहीं होता तब तक रोशनी नहीं दिखती है ज़्यादा, ठीक है। आइए देखते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। पुनरावृत्ति, जब तक आप सबक नहीं सीखेंगे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी, ठीक है। तो सबक सीखिए आप, ऐसा लग रहा है कि आप बार बार एक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा तो बार बार एक ही काम करेंगे, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं सही से, तो इसीलिए चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं आपकी लाइफ में। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली, प्रकाश, कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। उद्देश्य तो आपका जीवन का बहुत बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से आप अभी अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जीवन में चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी अगर आप उनसे शिक्षा नहीं लेते हैं तो। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है, यूनिवर्स आपसे क्या संदेश आपको देना, गाइडेंस देना चाहती है। आइए देखते हैं, पहला कार्ड है जाने दीजिए, ठीक है, इन न्यू फ्यूचर। अरे यार, आपके लिए तो कार्ड्स पे देखिए बिल्कुल नॉट, देखिए राइट टाइम नहीं है, जैसा कि कार्ड्स में दिख रहा था ना कि सो छोड़ दीजिए, अभी जो चल रहा है जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। आपके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिसीजन अगर आप देते भी हैं तो वो कहीं पर भी वो जाके ना कोई उसे मानेगा ना वो सही होगा। अभी आपकी वो कंडीशन नहीं है कि आप चीज़ों को समझ सकें। अभी आप अपने आप को, जो नेगेटिव एनर्जी भर गई ना उसको क्लीन कीजिए, पॉजिटिव लाइए, और जो हो गया सो हो गया, जो जाने दीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो। यहाँ पे बात बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, देखिए छोटी बातों के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ। मुझे पता है इतना आसान नहीं होता है चीज़ों को जाने देना, लेकिन यहाँ आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है आपके लाइफ की, आपकी खुशियों की। अगर आप नहीं करते तो इससे किसको तकलीफ़ होगी, बस आपको होगी और किसी को भी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपको जाने देना है, चाहे जितनी बड़ी बात क्यों ना हो। मूव ऑन करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, अब सब कुछ आपने देख लिया है, बार बार एक ही चीज़, बार बार एक ही चीज़, तो अब आपको मूव ऑन करना होगा, ठीक है। बार बार अगर आप एक ही चीज़ पर अटके रहेंगे तो वही दुख आपको बार बार होगा, इसलिए आपको जाने देना है, अब ख़त्म कर देना है। बहुत सोचना नहीं है जीवन में, आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत लोगों के साथ हुआ, आप अकेले नहीं हैं, ये सोचना। सबने बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं तो लाइफ में आज वो खुश हैं, ठीक है। अभी समय सही नहीं है, तो अभी आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अगर देखिए, ये नहीं कह रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ, आप सोचेंगे आप, मैंने आपसे कहा कि मूव ऑन कर लीजिए, मूव ऑन कर लीजिए, अपने मन में सोच लीजिए कि हाँ मैंने अब वो रिश्ता ख़त्म कर दिया है। लेकिन उसके लिए आपको अभी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह बताने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैंने ख़त्म कर दिया है। रिलैक्स हो जाइए थोड़ा सा, ठीक है, शांत रहिए। समय सही नहीं है आपके, आप जो करेंगे वो सही नहीं जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी देखिए क्या है, आप बहुत निराश हो जाते हैं, अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अब दोनों ही कंडीशन में कोई भी फैसले सही नहीं होते हैं। आप अपने आप को समय दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको दिखेगा कि आपके लिए क्या सही है, फिर आपको वो रास्ता भी दिखेगा जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहती है। तो समझ गए होंगे आप आज की रीडिंग को, समझ रहे होंगे अपने जीवन की परिस्थिति को। अभी कुछ नहीं करना है आपके लिए, यही है, शांत रहिए, जो चल रहा है उसको देखिए, समझिए और अच्छे से समझिए,
डिसीजन मन में ले लीजिए, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में उस डिसीजन को अपने जीवन में अप्लाई कर दीजिए, बस काम खत्म। आपकी लाइफ है ना, अब इससे ज़रूरत हो ही ना है कि कोई आपसे एक सवाल करेगा कि क्यों आपने ऐसा किया, ऐसा क्यों। मेरी लाइफ है, हमारी मर्जी। तो ऐसी सोच आपको ज़रूर रखनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि आप बहुत सोचते हैं, लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल से जुड़ जाएगी, अपना प्यार दीजिए सब्सक्राइब करके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।